आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्ष ने कमर कस ली है, तो इसी बीच प्रकाश आंबेडकर की इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर सवालिया भूमिका प्रतीत हो रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन की प्रेस नहीं थी बल्कि वह महाविकास आघाड़ी की प्रेस थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों को जोड़ना हमारा दायित्व है और हम वह बखूबी निभा रहे हैं। मैं था वह प्रेस में और उनने जो कहा कि ऐसी ऐसी बात है वो सुनने आ रही है, ऐसा उनने कहा। मूल सब्जेक्ट है कि वो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो महाविकास आघाड़ी में, महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई है। मुझे लगता है कि प्रकाश आंबेडकर जी जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में जो शामिल हुए, कल आपने देखा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूती से चलेंगे और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने की जो मानसिकता बीजेपी ने बनाई है, सत्ता के आधार पर संविधान खत्म करने की भूमिका उन लोगों ने की है, देश को तबाह करने की भूमिका की है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के विरोध में जितने भी दल है उनको साथ लेके चलना, यह हमारा दायित्व है और वो काम हम कर रहे हैं। और हमारे किसको किसी को जबरदस्ती कर नहीं सकते, इसलिए वो राज्य के बारे में बात करें, यही भूमिका हमारी है।